ये जो आप पार्क देख रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में बना और उसके बाद आज तक इसका कोई हाल चाल भी नहीं पूछने आता है। तो मुझे ये लगता है कि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ काम ही नहीं किया है, लोगों के दिलों को भी जीता। लेखपाल भर्ती में जो बच्चे बैठे थे उनके अंदर योग्यता नहीं थी, पेपर लीक। आपकी ये सरकार योग्य नहीं है, सरकार की योग्यता पे प्रश्न चिन्ह तब खड़ा हो जाता है जब पेपर लीक हो जाते हैं। तमाम शौचालय उन्होंने बांट डाले, तमाम सिलेंडर उन्होंने बांट डाले। बिल्कुल, सिलेंडर आज जनता भरवा नहीं पा रही है। लेकिन 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 ये चीज समाजवादियों को दिखाई क्यों नहीं दे रही? मैं कह रही हूँ सिलेंडर तो खाली पड़े। लखनऊ को उन्होंने लुलु मॉल दे दिया। उन्होंने दिया ना मैम, उन्होंने दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार में ये प्रस्ताव आया, समाजवादी पार्टी के लोग फीता तो पहला था, अखिलेश यादव जी काट चुके थे, ये दूसरा फीता उन्होंने गार्डन का उद्घाटन किया है। कहने मतलब जितना भी विकास हुआ है वो अखिलेश यादव जी की सरकार में। अच्छा, हमने किससे गठबंधन तोड़ा? हमने तोड़ा किसी से गठबंधन? हमने किसी को कहा कि नहीं आप यहाँ से चले जाइए? अब आपकी इच्छा, हमने कोशिश की कि सभी लोग एक साथ एक तरफ आएं ताकि हम नफरत परस्त ताकतों को हरा सकें, ताकि हम दलित पिछड़ा विरोधी सरकार को हटा सकें। नमस्कार, मैं मोहित हूं और आपको बता दी कि आज हमारे साथ चर्चा में पर्चा फाड़ने के लिए मौजूद हैं समाजवादी नेता, जी हां, पूजा शुक्ला जी। पूजा मैम, आपको समाजवादी पार्टी से टिकट दिया गया लेकिन आप हार गए। अब एक तरह से कहा जाए तो जनता ने तो अपार समर्थन दिया समाजवादी पार्टी को। पहले की तुलना में 30,000 से अधिक वोट भी मिला इस विधानसभा में, और उसके बावजूद अगर आप ये देखिए तो यहाँ पर अगर चुनाव की जीत और हार की बात की जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि 1,06,000 से ज़्यादा वोट पा करके मैं चुनाव हार गई। इतना वोट पाने के बाद चुनाव हारना अपने आप में बहुत दुखद है। ओम प्रकाश राजभर पर आप कुछ अपनी व्यक्तिगत राय दीजिए, ओम प्रकाश राजभर को ऐसे करना चाहिए, ओम प्रकाश राजभर को ये बोलना चाहिए था। मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी को बोलने से ज़्यादा करने में यकीन रखना चाहिए था। अगर वो अपने समाज की बात करते हैं, अगर वो समाज के उत्थान की बात करते हैं, अगर वो समाजवादी पार्टी के शुभचिंतक हैं, तो जो बात अंदर हो सकती थी, जो उनके विचार थे, वो माने श्री अखिलेश यादव जी ने उनको इतना सम्मान दिया। जाहिर सी बात है उनकी बात को भी सुनते। वो तो कहते हैं अखिलेश जी कभी एसी से बाहर नहीं निकलते। अगर अखिलेश यादव जी एसी से बाहर नहीं निकलते होते तो कन्नौज से लेकर के और गाजीपुर से जो रथ उन्होंने चलाया, दिनों रात उन्होंने मेहनत की, ओम प्रकाश राजभर जी को अपने साथ लेकर के आए। अचानक से चुनाव के बाद ओम प्रकाश राजभर जी को ऐसा क्या हो गया कि उनको लगने लगा कि अखिलेश यादव जी मेहनत नहीं करते? नहीं तो ये बात कहीं तक सही भी है राजभर जी की, एसी से बाहर निकलना चाहिए था। उपचुनाव हुआ, रामपुर की बात हो गई, आजमगढ़ हो गया, चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए, तो कहीं ना कहीं जाना चाहिए। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, बहुत छोटी सी, कि नरेंद्र मोदी जी या योगी आदित्यनाथ जी या तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उनको आपने कौन सी सड़क पर रोज संघर्ष करते हुए देखा? जी, सिर्फ अखिलेश यादव जी को बदनाम करना है। आप मुझे बताइए कि उन्नाव में जब बेटी के साथ बलात्कार हुआ, सबसे पहले धरने पर निकल कर के आए माननीय श्री अखिलेश यादव जी। किसानों के साथ घटना हुई, छात्रों नौजवानों के साथ घटना हुई, हर जगह वो सड़क पर निकल के आए। जब भी हमने जनता के बीच में कार्यक्रम करने की कोशिश की, हम गए तो हमेशा पुलिस बल लगाया गया। आपको याद होगा माननीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ जिस तरह का मिसबिहेव किया पुलिस ने, उनको गिरफ्तार तक कर लिया गया। अनगिनत बार माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने गिरफ्तारियां दी पिछले सरकार में, और ओम प्रकाश राजभर जी तब कहाँ थे? तब उन्हें नहीं दिखा दलितों और पिछड़ों का सम्मान, तब उनको महिलाओं की बात नहीं दिखी। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी से बेहतर इस उत्तर प्रदेश को कोई नेता नहीं मिल सकता, और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में भी काम किया और उसके बाद भी। आज अगर जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो बनाया उन्होंने, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने बनाया, और जाहिर सी बात है कि अभी आपने देखा होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का हाल, तो इस मुद्दे पे कौन बोल रहा है? पूरा देश देख रहा है कि क्या हुआ। तो अखिलेश यादव जी अगर नहीं होंगे तो इन जनता, इन गरीब दलितों पिछड़ों की बात करने वाला कोई नहीं होगा। योगी जी हैं तो योगी जी बात कर तो रहे हैं, वो बता रहे हैं हम हैं दलितों दलितों को पिछड़ों की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ दलितों और पिछड़ों का, देश के तमाम नागरिकों को फ्री में अभी भी राशन दिया जा रहा है। कोरोना काल में बताते हैं योगी जी ने या बीजेपी सरकार ने तमाम लोगों की मदद की है। आप मुफ्त में राशन दीजिए, ठीक है, मुफ्त में राशन देने के बाद लोगों के बच्चों को बेरोजगार कर दीजिए, पर्चा लीक करवाइए, दलितों और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का एनकाउंटर करवाइए, कोई आपसे सवाल नहीं करेगा। ये अगर आपको लगता है कि ये दलितों और पिछड़ों के उत्थान का काम है तो मैं ऐसा नहीं मानती। मुझे बताइए, अनगिनत कस्टोलियर डेथ हुई, आप मुझे बताइए कि वो जो बदायूं की लड़की जिसका बलात्कार हुआ था, वो भी एक पिछड़े समाज से आती थी, कितना उसके साथ न्याय कर दिया गया? या अनगिनत बेटियां, उनको कहाँ न्याय मिला? आज सब दरबदर भटक रही हैं।
पेपर लीक हो रहे हैं, अभी लेखपाल भर्ती का पेपर लीक हो गया, तो आप ये बताइए होता क्या है कि जो इसके माफिया हैं, जो मुखिया हैं, जो शिक्षा माफिया हैं, उन पर नकेल नहीं कसी जाती, दो चार पांच उनके गुर्गे पकड़ लिए जाते हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है और सारी बात खत्म। हमने लैपटॉप बांटे तो हमने कभी नहीं सोचा कि हम किस धर्म किस जाति के लोगों को एक करोड़ मोबाइल फोन बांट दिए। किसको बांटे वो मोबाइल फोन? उन्होंने ऐसे बांटे कि कभी आप छात्रों से पूछिएगा, उस मोबाइल फोन का इतना बुरा हाल है कि मैं आपको बता नहीं सकती, छात्र ही बताएंगे। वो बताते हैं कि अखिलेश जी के लैपटॉप से फोटो नहीं हट पा रही, आप बता रहे हो कि मोबाइल फोन खत्म हो गए। किसी ने अगर अच्छा काम किया तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई अच्छा काम करेगी तो हम उसे अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन कुछ करें तो पेपर लीक कराएंगे तो अप्रिशिएट नहीं करेंगे, गरीबों की जमीनें कब्जा कराएंगे तो नहीं है, मैं अप्रिशिएट करूंगी। समाजवादी आप नेता होने के नाते, एक आपने जो राशन वाली बात की, अब तो राशन के साथ भी क्या हुआ, लोगों के घरों से वसूली की जा रही है, वापस मांगा जा रहा है, मतलब क्राइटेरिया लगा दिया गया है। योजना भी समाजवादियों को पसंद नहीं आ रही। नहीं, राशन दीजिए गरीबों को, लेकिन साथ ही साथ रोजगार भी तो दीजिए, साथ ही साथ उनके बच्चों को शिक्षा भी तो दीजिए। योजना दी उन्होंने, हाँ, चार साल आप लोगों गरीबों के बच्चों को वहाँ भेज दीजिए और चार साल के बाद उनका क्या भविष्य होगा? कहते हैं रोजगार पाने के लिए रोजगार के योग्य तो बनो आप, उसके योग्य तो योग्य ऐसे बने, योग्यता होगी तो आपको रोजगार भी मिलेगा। जब अच्छा ये बताइए, जो लेखपाल भर्ती में जो बच्चे बैठे थे उनके अंदर योग्यता नहीं थी, पेपर लीक आपकी है, सरकार योग्य नहीं है। सरकार की योग्यता पे प्रश्न चिन्ह तब खड़ा हो जाता है जब पेपर लीक हो जाते हैं, जब वो भूमाफियाओं को, जब वो शिक्षा माफियाओं को नहीं पकड़ पाते। आप ही बताइए कि जितने बुलडोजर चल रहे हैं, सही से देखिए तो बुलडोजर सिर्फ दो लोगों पे चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों पर बुलडोजर चल रहा है क्योंकि वो हक और न्याय की बात करते हैं, और गरीब जनता के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बीजेपी का कोई मुझे एक दो ऐसे काम बताइए जो आपको पसंद आए। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से पता है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कैसे करना, ये एक उनकी उपलब्धता है। उन्हें पता है कि जो हम आज तक नहीं सीख पाए, सीबीआई और ईडी का मिसयूज करना, वो भारतीय जनता पार्टी को आता है। अच्छा, लोग कमियां तो निकाल लेते हैं, अच्छाइयों पर जरा प्रकाश डालते हैं आज। मैं अच्छाइयां तो बता रही हूँ, बीजेपी की अच्छाई, बीजेपी की सबसे बड़ी अच्छाई है कि ईडी का उपयोग कैसे किया जाए, विपक्ष के नेताओं को कैसे डराया जाए, कैसे लोकतंत्र को कितने आराम से खत्म किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी को पता है। कि बेरोजगार, एक तरफ आप उनके बच्चों को बेरोजगार कर दो, दूसरी तरफ कुछ राशन दे दो और कहो कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मोदी जी को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दें। अच्छा, इतनी इतनी योजनाएं देश को दी, तमाम शौचालय उन्होंने बांट डाले, तमाम सिलेंडर उन्होंने बांट डाले, बिल्कुल सिलेंडर आज जनता भरवा नहीं पा रही है। लेकिन 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 ये चीज समाजवादियों को दिखाई क्यों नहीं दे रही? मैं फिर कह रही हूँ, सिलेंडर तो खाली पड़े। लखनऊ को उन्होंने लुलु मॉल दे दिया, उन्होंने दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार में ये प्रस्ताव आया, समाजवादी पार्टी के लोगों ने इन्वेस्टर लेके आया। फीता किसने काटा? तो पहला अखिलेश यादव जी काट चुके थे, ये दूसरा फीता उन्होंने गार्डन का उद्घाटन किया है। कहने मतलब जितना भी विकास हुआ है वो अखिलेश यादव जी की सरकार में हो, योगी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में मिला तो राम मंदिर का श्रेय किसको जाएगा? देखिए, राम मंदिर आस्था का विषय है और मेरे नेता भी कह चुके हैं कि आस्था के विषय में तर्क नहीं चलते, इसलिए मैं उस विषय पे कुछ नहीं कहूंगी। राम मंदिर सबका है। अखिलेश जी के साथ गठबंधन लोगों का टिकता क्यों नहीं? कैसी बात कर रहे हैं? क्यों, कौन हमारा दुश्मन है? ये पल्लवी पटेल जी हमें समर्थन कर रही हैं, बाकी भी जो लोग हैं वो भी सब हमारे साथ हैं। किसी ने भारतीय जनता पार्टी तो नहीं ज्वाइन कर ली, कोई भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं चला गया। अब ये बताइए कि जहाँ पर बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं, जब सबको साथ में लेके चलना पड़ता है, थोड़ा बहुत कमी वेशी कहीं रह जाती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो कमी वेशी भी ना आए। 2017 भी देखा गया, 2019 भी देखा गया, 2022 भी देखा गया। हमने किसे गठबंधन तोड़ा? हमने तोड़ा किसी से गठबंधन? हमने किसी को कहा कि नहीं आप यहाँ से चले जाइए? अब आपकी इच्छा, हमने कोशिश की कि सभी लोग एक साथ एक तरफ आए ताकि हम नफरत परस्त ताकतों को हरा सकें, ताकि हम दलित पिछड़ा विरोधी सरकार को हटा सकें। लेकिन जब हम सबको साथ लेकर के एक प्लेटफॉर्म पे आए, हर तरह का हमने कॉम्प्रोमाइज किया कि लोग हमारे साथ रहें, उस समाज का उत्थान हो। लेकिन आज लोग अगर अपने आप चले जा रहे हैं किसी दबाव में, तो हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए। बिल्कुल, तो कहने मतलब समाजवादी पार्टी का या फिर अखिलेश यादव जी का या फिर पूजा शुक्ला जी का इसमें कोई दोष नहीं है? किसी का कोई दोष नहीं है, जो जैसा है वो चला गया। मैम, एक सवाल जो तमाम आपके प्रशंसक आपसे जानना चाह रहे हैं, और मैंने आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा भी है, कमेंट करके लोग ज़्यादातर पूछने की कोशिश करते हैं, वो मैं आज पब्लिकली पूछता हूँ। मैम, आप शादी कब कर रहे हैं? शादी पता नहीं कब करेंगे, और अभी हमने कुछ सोचा भी नहीं है। बस मेरा इतना है कि सबसे बड़ी बात है, शादी तो हर कोई करता है, जनता की सेवा के लिए बहुत कम लोग आते हैं। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने भी इस काबिल समझा कि मैं इस विधानसभा की सेवा कर सकूँ, और इस विधानसभा के 1,06,000 से ज्यादा मतदाताओं ने मुझे प्यार और सम्मान दिया, और निश्चित तौर पर वो बढ़ेगा। तो मैं एक बार ये सोचती हूँ कि किसी तरह से जो जनता की सेवा मैं कर रही हूँ उसमें किसी भी तरह की विघ्न बाधा ना आए। तो अभी 2027 का जो भी चुनाव आएगा, फिर विधायकी की दावेदारी आप करेंगी? अगर जो आप विधायक बनती है तब जाके कहीं
ये ख्वाब जो है रंगीन करने की। मुझे लगता है कि मेरा सपना सिर्फ विधायक बनने तक नहीं है। अच्छा, अगर मैं एक गरीब परिवार से निकल करके आई हूँ तो मैं सिर्फ विधायक बनने तो नहीं आई हूँ, इस देश और प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा करने आई हूँ। और निश्चित तौर पर जो मुकाम मैंने आज तक हासिल किया है अपनी मेहनत, अपने संघर्ष के दम पर और माननीय श्री अखिलेश यादव जी के विश्वास और आशीर्वाद से, निश्चित तौर पर ये बढ़ेगा। और जब तक समाजवादी पार्टी का कारवां नहीं बढ़ता, हम राज्य से लेकर केंद्र तक समाजवादी पार्टी को मजबूत नहीं कर देते, तब तक हम लोगों का सपना पूरा नहीं होने वाला। लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में कोई भी घटना घटित होती है जी, तो मैं देखता हूँ पूजा शुक्ला जी रोड पर आ जाती है धरना प्रदर्शन देने के लिए। इतनी ऊर्जा आपके अंदर कहाँ से आती है? मुझे लगता है इतनी ऊर्जा मैं जिस जगह से निकल करके आई, जिस आम गरीब परिवार से निकल करके आई, मेरे सपने मुझे ये ऊर्जा देते हैं। मेरी हिम्मत, मेरी ताकत ये जनता का विश्वास है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी का विश्वास है। और मैं ये मानती हूँ निश्चित तौर पर कि अगर आपके सपने आपके अंदर जिंदा हैं तो वो कभी आपको चुप नहीं बैठने देंगे। जी जी जी, हमेशा जी, वो आपको ये सिखाएंगे कि आपको लड़ना है, जी जी, बुरी परिस्थितियों से लड़ना है, बुरे लोगों से लड़ना है। और निश्चित तौर पर आप देखिए, मैं महिला भी हूँ तो मुझे तो दोहरा संघर्ष करना पड़ता है समाज में। जो इस जो लोग काबिज हैं, आपको आप सोचिए, आप कल्पना करिए कि आप जिस संस्थान में हैं जहाँ से आप उठ करके आए, बड़े बड़े लोगों को तकलीफ होती है, जो स्थापित लोग हैं, तो स्थापित चीज़ों को उखाड़ फेंकना और स्थापित चीज़ों से संघर्ष करना बहुत कठिन होता है। मैं आज अगर आपके सामने खड़ी हूँ तो इसके पीछे बहुत संघर्ष है। यूं ही नहीं मैं चुनाव लड़ गई, यूं ही नहीं लोगों ने मुझे समर्थन दिया, मैंने बहुत संघर्ष किया। और निश्चित तौर पर ये संघर्ष, ये ऊर्जा मेरे अंदर जब तक है तब तक मैं इस समाज के सवालों को लड़ती हूँ। आपको पूरा देश दिख रहा है मैम, कोई नसीहत? बस इतना ही कहूंगी कि हमेशा सच और ईमान के रास्ते पर खड़ा होना है। आज माननीय श्री अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को, मुझको आपके विश्वास की जरूरत है, आपके समर्थन की जरूरत है। जब तक आपका समर्थन, आपका साथ, आपका विश्वास रहेगा, हम अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। इसलिए आज ही नहीं, हमेशा समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहें और समाजवादी पार्टी को वोट करें। और अगर आपकी कोई नसीहत हो तो इनके माध्यम से जरूर हम तक नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए ठीक है पूजा जी, आपने मुझे अपना जरूरी समय दिया, इसके लिए थैंक यू। तो पूजा शुक्ला जी हमारे साथ थी, मैं इनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, तमाम सवालों पे मैंने बवाल करने की कोशिश की। खैर, क्या कहा आपने, सुना आप इनके बारे में क्या कहते हैं और इनके विचारों से आप कितना सहमत है, नीचे कमेंट करके अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई जगह पे नए मुद्दे के साथ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि भारत एक मुल्क ही नहीं है बल्कि एक सोच है और आज हर भारतीय को सोचने की जरूरत है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मोहित, लखनऊ।